पूर्व कांग्रेस ने कलेक्ट्रेट के नाम सिटी मजिस्ट्रेट पवन वारिया को सौंपा ज्ञापन। अशरफ खान संजय यादव के नेतृत्व में सौंपा गया ज्ञापन। ज्ञापन में बताया गया कि 14 अगस्त को सत्तारूढ़ दल के इशारे पर प्रशासनिक व्यवस्था का दुरुस्त करते हुए जेसी नगर के युवक कांग्रेस पदाधिकारी आकाश विश्वकर्मा की पंचर की दुकान और घर में घुसकर प्रताड़ित व अमानवीय व्यवहार करने की घटना हुई, जिसके विरोध में युवक कांग्रेस ने नारेबाजी और प्रदर्शन करते हुए मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कार्यवाही की मांग की है। सागर से एसएन पटेल की रिपोर्ट। विधानसभा क्षेत्र के जैसी नगर में हमारे युवक कांग्रेस के पदाधिकारी आकाश विश्वकर्मा की पंचर की दुकान और उसके घर में जो विगत 14 अगस्त को सत्तारूढ़ दल के इशारे पर प्रशासनिक व्यवस्था का दुरुपयोग करते हुए जो सर्चिंग के दौरान हमारे युवा कांग्रेस पदाधिकारी को प्रताड़ित व अमानवीय कृत्य किया गया है, इसको लेकर युवक कांग्रेस में आक्रोश व्याप्त है। और हम आज सागर जिला युवक कांग्रेस के तत्वाधान में हम युवा कांग्रेसियों ने चरणबद्ध आंदोलन के तहत जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन करते हुए ज्ञापन सौंपा है। हम लोगों की मांग है कि इस तरीके की कार्रवाई सत्तारूढ़ दल के इशारे पर जो की जा रही है, इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं और मांग करते हैं इस तरह की कार्रवाई के लिए जिन प्रशासनिक अमले ने सत्तारूढ़ दल के सहारे पर कार्रवाई की उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए, अन्यथा की स्थिति में अभी हम शांतिपूर्ण तरीके से ज्ञापन के माध्यम से पूरे जिले में ज्ञापन प्रेषित करते हुए मांग कर रहे हैं। अन्यथा की स्थिति में अगर कार्रवाई और इस तरह की कार्रवाइयाँ नहीं रुकती हैं तो युवा कांग्रेस उग्र आंदोलन को बात होगी, जिसका संपूर्ण उत्तरदायित्व शासन प्रशासन का होगा। कांग्रेस